एक पिटारा पागलपन का अलग से छुपा रखा है मैंने उनके लिए, मगर जो भी आता है एक ही बात कह जाता कि ये सब कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारा होना ना होना, मिलना बिछड़ना, दिल टूटना घर छूटना, हम सबका इस वक्त यहाँ इस तरह मौजूद होना, ये सब कुछ लिखा हुआ है। पर मैं कहता हूं जरा ध्यान दो, सोचो कि जहां भी लिखा है, जिस भी दुनिया में, जिस भी किताब में, जिस भी पन्नों पर, उस किताब के पन्नों पर एक कहानी है। कहानी तुम्हारे नाम की, जो शायद शायद वक्त और काल से परे कोई अपनी समझ कर पढ़ रहा होगा। तो याद रखना कि हम सब कहानियां हैं, तो अपनी कहानी को सबसे शानदार कहानी बनाओ। ये वाला हो गया। तो अब इंजीनियरिंग से हम पार हुए हैं, एंड मेरी मैकेनिकल डिपार्टमेंट था मेरा, तो अक्सर ये होता था। हाँ भाई 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 दर्द निकल गया। हमें भाई भाई मिलते हैं, बहन बोलने के लिए भी लड़की नहीं मिलती है। तो अब उसमें क्या होता है कि आपको अच्छी लगती है लड़कियां तो आप लिख देते हो। तो मैंने लिखा था ऐसे कुछ उसके लिए कि वो ऐसा था कि मुझे एक लड़की पसंद आई थी, तो मेरे रूममेट से बोला है तू लिख लेता है तो कुछ लिख कर भेज उसे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, रात में 2-3 बजे लिखते हैं और उसे भेजते हैं। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी वेक्स अप शी रीड्स दैट फर्स्ट थिंग, सो इट विल बी लाइक यू वेक अप टू माय स्टोरीज एंड पोएम्स, लाइक रोमांटिक। अब मैं मैकेनिकल से था, वो आईटी से, तो मेरे दिमाग में सिर्फ 2-4 स्ट्रोक इंजन होता था और उसकी पाइथन कोबोल पता नहीं क्या क्या चीज होती, कभी कोइंसाइड नहीं करती। तो मैंने पहले दिन लिख के भेजा कि मेरे रास्तों का सफर बन रही हो क्या, मेरे सैलाबों का भंवर बन रही हो क्या, मेरे रास्तों का सफर बन रही हो क्या, मेरे सैलाबों का भंवर बन रही हो क्या, आजकल हर दूसरे दिन नजर में आती हो, मेरी दुआओं का असर बन रही हो क्या। कोई बात नहीं, हम इंसान है, कोशिश करना हमारा कर्तव्य है, होना ना होना तो उसके आगे था फिलहाल। तो हमने दूसरे दिन फिर से लिखा, और तब ऐसा लिखा कि कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। अब जनरली क्या होता है ना घर में, अब कितने ऐसे लोग हैं जो छोटे भाई बहन के मैच हो अमेजिंग। तो मेरे बड़े भैया, उनकी जब भी शादी की बात बात होती थी घर में, तो अपने दिमाग में आ जाता था कि देखो हमारी जब होगी बात तो फलाना फलाना जगह होगा, ऐसी दिखती होगी, ढमकाना बातें करती होगी, ये वो, एक डन सेट राजकुमारी। बट जब वो आपको मिलती है जिसके ऊपर आप दिल हार देते हो, वो आपकी सोच से बिल्कुल परे होती है, और तब भी आप ऐसे कुछ ना बोला कुछ भूल जाने की तुम्हारी आदत, कुछ बेवक मुस्कुराना जैसे इबादत, तुम्हारे हर झूठ में भी लगती मुझे तुम सच्ची हो, कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। और एक बहुत मशहूर शेर है, मुझे शायर का नाम याद नहीं, माफ करिएगा, मगर ये शेर मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि वो हम सब के लिए कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के, और सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के, और मोबाइलों के दौर के नाशिकों को क्या पता, क्या पता किस तरह रखते थे हम कट में कलेजा निकाल। कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो, और स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए कि न जाने ऐसा धोखा फिर कब होगा, न जाने ऐसा धोखा फिर कब होगा, हमारे मिलने का मौका फिर कब होगा, कभी तो सुनोगे मेरे पुकारने से पहले, कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। इस वाले को भी मैडम ने नहीं समझा। कोई बात नहीं, ठीक है, सब सॉर्टेड क्या? सब लॉन्डी ओ इज लाइक ठीक है, देयर इज अ फेज आप लोग यूज कर लियो, हम भी कर ही लेंगे, छोड़ दो हमारे लिए, ठीक है। एंड सो अब एक तो ऐसी कुछ हो जाए 1 लाइनर 2 लाइनर फिर आगे बढ़े, मजा आ रहा है। अब पता नहीं उदयपुर में वो चीजें होती है कि नहीं, बट मैं अभी दिल्ली से आया हूँ तो वो चीज है अभी, और पंजाब भी गए थे, तो इसीलिए ये वाला बोल रहा हूँ कि अफीम की तरह थी उसकी बातें। बस 2 लाइनें आप पकड़ पाए।
आया तो बताना। अफीम की तरह थी उसकी बातें, जितना नशा देती थी उतना तबाह भी करती थी। और ये कि वो खाने में नमक की तरह थी, वो खाने में नमक की तरह थी, जब साथ नहीं होती कुछ अधूरा सा लगता था। बस इतना ही, ठीक है, जरूरी नहीं है हर कोई चीज़ है।